हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं रेखा। आप सभी का मेरे चैनल रेखा द इंडियन मॉम में स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम आपको सिखाने जा रहे हैं एक बहुत ही स्पेशल डिश। डिश क्या है, एक तरीके से कैंडी कह लीजिए उसे, सभी बहुत पसंद करते हैं, बच्चे भी बड़े भी। आंवला कैंडी। आंवला कैंडी हम घर पे बहुत ही इजी तरीके से और बहुत ही टेस्टी बना सकते हैं। वैसे भी आंवले के तो जितने गुणों का बखान किया जाए उतना ही कम है। आंवला आंखों के लिए, बालों के लिए, स्किन के लिए, सभी के लिए बहुत फायदेमंद होता है। तो फ्रेंड्स, आज हम आपको सिखाने जा रहे हैं आंवला कैंडी। देखिए, मैंने इसके लिए बड़े बड़े साइज के आंवले लिए हैं, हमें बिना दाग वाले और बड़े बड़े आंवले लेने हैं। देखिए, बिल्कुल फ्रेश और ताजा आंवले हैं ये। इनको मैं 10 डेज के लिए थैली में बंद करके फ्रीजर में रख दूंगी। आप थैली जिप लॉक की भी ले सकते हैं या सिंपल पॉलिथिन का कैरी बैग भी ले सकते हैं। देखिए, मैं यहाँ पे एक पॉलिथिन का बैग ले रही हूँ, इसमें मैं इन आंवलों को बंद करके 10 दिन के लिए फ्रीजर में रख दूंगी। देखिए, मैंने एकदम अच्छे से पैक कर दिया है, अब इनको 10 डेज के लिए हम फ्रीजर में रख देते हैं। देखिए फ्रेंड्स, 10 डेज के बाद हमने जब आंवले फ्रीजर में से निकाले हैं, जब हमने रखे थे तब तो एकदम ग्रीन, देखिए फ्रेंड्स, जब हमने रखे थे तब तो एकदम ग्रीन थे, अब इनका कलर भी लाइट हो गया है और इन पे सब पे आइस आ गई है। देखिए, अब हम इनको नॉर्मल वाटर में डाल देंगे। देखिए फ्रेंड्स, हम नॉर्मल वाटर में, आप स्टील का बर्तन ले सकते हैं, प्लास्टिक का बर्तन ले सकते हैं, कोई टब भी ले सकते हैं, हम इसमें इनको डाल देंगे। और हमें 3 से 4 बार इसका पानी चेंज करना है, जब तक ये आंवले एकदम नॉर्मल ना हो जाएं तब तक हमें इनको पानी में ही रहने देना है। देखिए, मैंने ये डाल दिए हैं। देखिए फ्रेंड्स, हमने पानी में डाल दिए हैं, हमें 4 से 5 बार इसका पानी चेंज करना है, और जब तक एकदम नॉर्मल नहीं हो जाते हैं आंवले तब तक हमें इनको यूज में नहीं लेना है, इनसे छेड़छाड़ नहीं करनी है। तो अब हम इसका पानी एक बार चेंज कर देते हैं। फ्रेंड्स, 10 मिनट हो चुके हैं, मैंने इसका पानी निकाल दिया है, बहुत ज़्यादा ठंडा था वो। अब मैं इसमें वापस से नॉर्मल वाटर डाल दूंगी। ये प्रक्रिया हमें 3-4 बार करनी है, जब तक ये आंवले बिल्कुल नॉर्मल ना हो जाएं, हमें ऐसा ही करते रहना है। फ्रेंड्स, देखिए, हमने आंवलों का 4-5 बार पानी चेंज कर दिया है, आंवले बिल्कुल सॉफ्ट हो गए हैं, नॉर्मल हो गए हैं। अब हम इनके लिए पानी बॉईल करेंगे। देखिए, मैंने कढ़ाई में पानी बॉईल होने रख दिया है, आप चाहें तो भगोनी का भी यूज़ में ले सकते हैं। अब हम इसमें, अच्छे से पानी गर्म हो चुका है, बॉईल होने वाला है, इसमें हम आंवले डाल देंगे। देखिए, मैं इस तरह से आंवले डाल रही हूँ इसमें। देखिए फ्रेंड्स, मैंने सारे आंवले गरम पानी में रख दिए हैं, अब हम इसका बॉईल होने का वेट करेंगे। बॉईल हमें बहुत ज़्यादा देर नहीं करना है, 4 से 5 मिनट हमें इसको बॉईल करना है। देखिए फ्रेंड्स, पानी में उबाल आने लग गया है, जब उबाल आने लगे तब आप थोड़ा सा आंवलों को बिल्कुल हल्के हाथ से हिला दें। अगर आंवले ज़्यादा मोटे साइज के हैं तो आप 7 से 8 मिनट तक इसको बॉईल करें। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से इसकी कलियां खुलने लग जाएंगी। जब बॉईल होने लगेगा तो सभी आंवलों की कुछ इस तरह से कलियां खुलने लग जाएंगी। देखिए फ्रेंड्स, आंवले कुछ ठंडे हो चुके हैं, अब हम जैसे उबले हुए आलू को छीलते हैं उसी तरह से हम आंवले को छील लेंगे। देखिए, बहुत ही इजी तरीके से ये चाकू की सहायता से छिल रहा है, हमें इनके छिलके अलग कर देने हैं। बिल्कुल हल्के हल्के हाथ से हमें आंवलों को छीलना है। देखिए, मैंने आंवला छील लिया है और आंवला ऑलमोस्ट वाइट कलर का हो गया है छीलने के बाद। देखिए, एक बार दोबारा से हम इसको
छीलना बताते हैं। धीरे धीरे हमने आंवले को छीलना है। बहुत ही इजी गोइंग में आंवले छिलते चले जा रहे हैं। इसी तरह से हमें सारे आंवलों को छील लेना है। देखिए फ्रेंड्स, हमने इस तरह से सारे आंवले छील लिए हैं। अब हम इसकी कलियां अलग-अलग कर देंगे। फ्रेंड्स, इस तरीके से हम सारी आंवलों की कलियों को अलग-अलग कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, मैंने सारे आंवलों में से बीज बाहर निकाल दिए हैं और सारी कलियां मैंने अलग-अलग कर ली हैं। अब हम इसमें चीनी मिक्स करेंगे। फ्रेंड्स, 1 किलो आंवले में हम 800 ग्राम चीनी डालेंगे। मैंने 800 ग्राम चीनी डाल दी है। अब हम इसको धीरे धीरे मिक्स करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से चीनी सब में मिक्स हो गई है। चीनी बहुत अच्छे से लग गई है। अब हम इसको 3 से 4 दिन धूप में रखेंगे। पर इसको धूप में रखने के बाद भी हमें कुछ ऐसे ही मिक्स करते रहना है, कुछ कुछ घंटे से। आप चाहें तो इसमें बारीक पीस के इलायची पाउडर भी डाल सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, अभी तो हमें कुछ ही घंटे हुए हैं और चीनी का एकदम पानी हो गया है। अब हम इसको 3-4 दिन धूप में रखेंगे ताकि ये पानी एब्जॉर्ब हो जाए। मैंने इसको बड़े बर्तन में ट्रांसफर कर दिया है। देखिए फ्रेंड्स, आंवला कैंडी बिल्कुल तैयार है। अच्छे से आंवले सूख चुके हैं। अब हम इनको किसी अलग बर्तन में निकाल लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमने अलग बाउल में निकाल ली है कैंडी सारी। अब हम इनको किसी डब्बे में स्टोर करके रख सकते हैं। आप चाहें तो इसको फ्रिज में भी रख सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी आंवला कैंडी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट भी करें। थैंक यू।